देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं जिसके कारण ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसमें पहला है आपका चेंज इन स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी जो आपका रिएक्टेंट है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो समझिए क्या है कि ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे आपका एक कार्बन है, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। कार्बन क्या है? सॉलिड है। और ऑक्सीजन क्या है? ये आपका गैस है। ये मिलके CO2 बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ये गैस है। देखिए सॉलिड और गैस मिलके क्या बना दिया? गैस बना, स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट अगर चेंज हो रहा है, स्टेट मतलब उसकी अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस, ये जनरली तीन स्टेट है मैटर के रहने का। तो ये अगर चेंज हो रहा है तब भी आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर चेंज इन कलर, आपका रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट ये होता है आपका ब्लू कलर का, इसको याद रखना पड़ेगा। जब इसको आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे, लोहा के साथ, तो बना देगा फेरस सल्फेट FeSO4। अब ये फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसको करते कैसे हैं तो देखिए, ये टेस्ट ट्यूब होता है, इसमें कॉपर सल्फेट रखा जाता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट क्या है? साल्ट है। ये ब्लू कलर का एक्वस रहता है, किस फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में, पानी है, पानी में कॉपर सल्फेट घुला दिए। जैसे नमक होता है ना आपका, चीनी देखे होंगे, वैसे ही चीनी जैसा दाना होता है कॉपर सल्फेट का, लेकिन ये ब्लू होता है। जब इसको मिलाएंगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लू हो जाएगा, CuSO4+, ये ब्लू ब्लू हो जाएगा। जैसे नमक पानी का घोल होगा, वैसे कॉपर सल्फेट इसका घोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा ब्लू। इसके अंदर हम कांटी डाल देंगे, आयरन नेल डाल देंगे, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके ये ब्लू कलर इसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बताएगा? अब प्लस, अब देखिए प्लस Cu अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है, अगर चेंज इन कलर हो रहा है तब भी आपको ये समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने का दो एविडेंस देख लिए, दो करेक्टरिस्टिक्स देख लिए, एक चेंज इन स्टेट और दूसरा चेंज इन कलर। तीसरा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है? तो प्रेसिपिटेट है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में बैठ जाए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाए, जो पानी में घुले नहीं, बनने के बाद वो क्या हो, लेयर में बैठ जाए। जैसे ही आपका बकेट है या चेस्ट ट्यूब है तो इसके लेयर में आकर के बैठ जाएगा, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए आप समझ लीजिए, जब बालू में पानी मिलाइएगा, यानी बालू और पानी का जब मिश्रण मिक्सचर होगा तो बालू क्या है? सेटल डाउन हो जाता है। उसी तरीके से प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होगा जो पानी के अंदर घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है आपका लेड नाइट्रेट, इसको PbNO3 बोलते हैं। लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम ये वाला ले लिए हैं। तो लेड नाइट्रेट, अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका कंप्लीट हम लोग डिस्कशन देखेंगे। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि किस वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है पता चलेगा। तो ये लेड नाइट्रेट क्या करेगा? ये बना देगा लेड आयोडाइड PbI प्लस, क्या बना देगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये आपका PPT है। कैसा है? तो ये आपका PPT है। अब किस कलर का है? इसमें कलर भी चेंज होता है प्रेसिपिटेट में, तो इसको हमको देखना है। तो प्रेसिपिटेशन समझ गए होंगे, प्रेसिपिटेट, आप आई होप आपको प्रेसिपिटेट समझ में आ गया होगा। लेड आयोडाइड जो होता है वो येल्लो PPT होता है, पीला, येल्लो PPT, येल्लो प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट बना देगा लेड आयोडाइड और ये KNO3। ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, जब हम करेंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो तीन चीज़ देख लिए, चेंज इन कलर देख लिए, चेंज इन स्टेट देख लिए और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी देख लिए। अगला इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगा, क्या निकलेगा? गैस निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस निकल सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, सोडियम ही ले लीजिए। तो ये HCl क्या है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है। एसिड क्या है? जो खट्टा होता है,
इंटरेस्ट में, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, हाँ ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। तो एसिड HCl जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराता है, करता है तो NaCl बना देता है, प्लस H2 रिलीज कर देता है। तो इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस जो होगा तब भी हम ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने में अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल जाएगा। अब मान लीजिए आपका CaCO3 है, क्या चूना पत्थर है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, इसका कॉमन नेम है लाइम स्टोन। इसको जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज करता है। और या फिर आप ये समझिए कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। वही चूना जो लाते हैं हम लोग दीवार को रंगने के लिए, वही चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना को पानी में मिलाइए, H2O में मिलाइए, पानी में मिलाइए या डिस्टेंपर में मिलाइए, जहाँ मिलाइए, बोलता है ना क्या वो जो पेडलेक का एडवर्टाइजमेंट आता है, पानी में मिलाइए या डिस्टेंपर में मिलाइए, जहाँ मिलाइए दीवार पे चिपकेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्विक लाइम वही चूना जो लाते हैं हम लोग बाजार से, है ना, वाइट कलर का जो होता है, पत्थर जैसा जो होता है, उसको ला करके बड़ा सा नादी होता है उसमें डालते हैं, डालने के बाद वो क्या करने लगता है, खदकने लगता है, खदखदाने लगता है, मतलब वो हीट रिलीज करता है। तो चेंज इन टेम्परेचर होता है, जैसे ही इसको रिएक्ट करके क्या बना देगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइम वाटर या सलैक लाइम। यही लाइम वाटर और सलैक लाइम पोचारा के लिए यूज किया जाता है, दीवार पे जो पोचारा होता है, फिर वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, मिल्की, है ना, उजला बन जाता है। एटमॉस्फेयर में CO2 है, दीवार पे लगा, इससे रिएक्ट किया, वो मिल्की वाइट बन गया। तो पूछता भी है कि मान लीजिए आपका सलैक लाइम है, उसमें कौन सा गैस प्रवाहित किया जाएगा, कौन सा गैस दिया जाएगा, वो मिल्की वाइट हो जाएगा। तो CO2 याद रखिएगा, आगे कंप्लीट डिस्कशन देखना। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए चेंज इन स्टेट होना चाहिए, है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए चेंज इन कलर होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ PPT होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें में से कोई एक चीज़ भी अगर हो रहा है तब ये माना जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तब भी कमेंट कीजिए, समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए, लाइक शेयर तो बनता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए अब समझिए, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होगा, दो तरीके से लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, सिंबॉलिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, वही वाला एग्जांपल बार बार ले रहे हैं हम ताकि समझिए अच्छे से। ये एक रिएक्शन हो गया कि कार्बन को जब, लकड़ी को जब जलाएंगे, यानी जब कार्बन जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करेगा। तो ये जो हम बोले, ये आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप सीधे बर्न भी बोल रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही बर्न होगा, क्लियर। व्हेन कार्बन इज बर्न, या व्हेन लकड़ी इज बर्न, या व्हेन वुड इज बर्न, सब में कार्बन है, जितना लकड़ी है, कागज़ है, सब में कार्बन है। इसलिए जब भी बोला जाए कार्बन बर्न, तो आप लकड़ी को जला दीजिए, किसी को भी जला दीजिए, ठीक है। तो व्हेन कार्बन इज बर्न देन
इट प्रोड्यूस CO2 या प्रोडक्ट जो बनेगा CO2 बनेगा, ये हो गया केमिकल रिएक्शन। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे यानी वर्ड के फॉर्म में, तो लिखेंगे कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छे से समझिएगा इसको, ये अगर हम लिखे हुए हैं इस तरीके से हमको लिखा हुआ मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा वर्ड इक्वेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये वर्ड में लिखा हुआ है। अब इसी को कार्बन का सिंबल क्या होता है, नाइन्थ में ही याद किया हूँ, कार्बन का सिंबल होता है सी और ऑक्सीजन का सिंबल होता है ओ, लेकिन ओ जनरली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में करता है, तो ओ टू और ये एरो दे दिए और ये क्या बना दिया सी ओ टू बना दिया। ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या है सिम्बॉलिक इक्वेशन, क्या सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इक्वेशन। यही जनरली यूज किया जाता है, ज्यादातर जो यूज होता है वो ये यूज किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन जनरली दो टाइप का हुआ लिखने के अकॉर्डिंग से, एक हो गया आपका वर्ड इक्वेशन, दूसरा हो गया सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन उतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता है जितना कि आपका सिंबॉलिक होता है। इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसमें स्टेट भी डाल सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे देखिए एक ये इक्वेशन हम लिखे सिंपली, ये एरो जो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाएगा कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इधर वाला क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है और ये जो है आपका प्रोडक्ट है, ये बताएगा। ठीक ठीक है, अब एक ये इक्वेशन हम लिखे और इसी को एक तरीके से हम लिखते हैं। देखिए लिख दिए कार्बन, यहाँ पे डाल दिए एस प्लस, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिए जी, ये रेट ऑफ रिएक्शन डाल दिया और ये CO2 लिख दिया, ये गैस। अब देखिए इन दोनों में कुछ फर्क नज़र आ रहा है, इसमें देखिए इसमें जो है हम इस इतना ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं है ये, क्योंकि इसमें स्टेट नहीं बताएं। अब देखिए ये जो है कार्बन के साथ कोस्ट में हम जो लिख दिए एस, मतलब ये कार्बन क्या सॉलिड है, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन है मोर इन्फॉर्मेटिव है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसका स्टेट साथ में अगर सिंबॉलिक स्टेट बता देते हैं तो ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो कार्बन ये सॉलिड है, ऑक्सीजन ये गैस है और CO2 ये गैस है। उसी तरीके से और भी इक्वेशन है जिसमें हम और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर अगर लिखना है तो इसके एरो के ऊपर लिखा जाता है, कंडीशन ऑफ रिएक्शन एरो के ऊपर लिखाएगा उस। और उसी तरीके से अगर पानी में मिला हुआ है एक्वस है तो एक्वस के लिए, एक्वस अगर है तो AQUOUS, एक्वस है तो AQ लिखा जाएगा, लिक्विड है, लिक्विड है तो क्या लिखा जाएगा L लिखा जाएगा, गैस है तो क्या लिखा जाएगा G लिखा जाएगा। उसके बाद अगर सॉलिड है तो क्या लिखा जाएगा S लिखा जाएगा, उसके बाद डाइल्यूट है तो DIL लिखा जाएगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो, डाइल्यूट है तो DIL लिखा जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड है तो CON लिखा जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड अगर है तो क्या लिखा जाएगा CON। ठीक, उसका टेम्परेचर अगर ये एरो के ऊपर ये लिखा, ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक, और ये जो प्लस का सिंबल है ये प्लस जो आपको बताएगा कि दो बीच, दो सब्सटेंस को बीच में, ये जोड़ नहीं है, दो सब्सटेंस के बीच में ये लिखने का तरीका है कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सिंबल लगा, ट्रायंगल लगा हुआ है तो मतलब क्या कर रहे हैं हीट दे रहे हैं। अगर ऊपर में ट्रायंगल ऐसे लगा हुआ है एरो के ऊपर, एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल लगा हुआ है तो मतलब हीट दिया जा रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ एरो ऊपर लिखा हुआ तो ये गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, और एरो नीचे तरफ है तो ये PPT है, ये प्रेसिपिटेट है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट के लिए ये रिएक्शन है। तो ये सब सिंबल डाल करके हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे केमिकल रिएक्शन को, सॉरी केमिकल इक्वेशन को। तो कुछ टर्म है जो डाल करके हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से रहे कोई रिएक्शन होगा, ये ऐसे रहे और ऐसे रहे, तो ये किसका होगा, ये रिएक्शन क्या है दोनों तरफ से होगा, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है।
रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये वाला एरो यूज़ किया जाता है, रिवर्सिबल के लिए ये वाला एरो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब टर्म्स थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। अगर हम सिंपली यहीं पर देखें तो देखिए, ये जो आपका बैलेंस, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, तब वो बैलेंस होता है। तो कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ भी कार्बन एक ऑक्सीजन दो, तो ये क्वेश्चन आपका बैलेंस है। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बैलेंस एंड बैलेंस का, बैलेंस एंड बैलेंस का इक्वेशन, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद कुछ बैलेंसिंग का तरीका देखेंगे, अच्छे ट्रिक के साथ कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो ये जो आपका सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री का, इसमें आई थिंक मोस्टली अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट इन 4 शॉट है ना, उसका पहला शॉट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कर चुके हैं। क्लियर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप पूरा समझ में आपको आया होगा। ठीक है, दृढ़ निश्चय रखिए, कामयाबी हाथ में है। ठीक है, बाय बाय, ओके।